गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एंथैल्पी, हम डिफरेंट तरह की एंथैल्पीज़ को हम देख चुके हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद हमने देखा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. आज भी हम तो नई तरह की एंथैल्पी पढ़ेंगे, जिसमें एक तो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ओके, स्टैंडर्ड टर्म सभी के साथ होगा, सभी स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर की गई है. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नेम बता रहा है, एटमाइजेशन यानी कि हमें एटम्स निकाल कर लाने हैं. कहाँ से लाने होंगे? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल में से आपको एटम्स को सेपरेट करना होगा. जो भी मॉलिक्यूल्स में एटम हैं, बाइंड हुए हैं, फॉर्मेशन की है उन्होंने सब्सटेंस की, तो उस सब्सटेंस में से, उस मॉलिक्यूल में से एटम्स को अपनी फ्री गैसियस स्टेट में आपको लाना होगा. तो आप कहोगे कि आपने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टर्म यूज़ किया है. ठीक है, उसके बाद हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे. ठीक है, पहले समझ लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज बता रही है व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली इनटू एटम्स इन द गैसियस फेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन हमें मालूम ही है. ठीक है, 1 atm प्रेशर और 298 kelvin टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई हैं. ओके, अब देखो कैसे आप किसी सब्सटेंस को उसके गैसेस में, गैसेस एटम्स में कन्वर्ट करोगे. मिथेन का एग्जांपल यहाँ दिया है इन्होंने, CH4 है. ओके, मिथेन को आपने एंथैल्पी दी, मिथेन के सारे बॉन्ड ब्रेक हुए और जितने भी एटम्स थे, ऐसा नहीं कि इसने क्या किया कि CH2 बना लिया और दो आपको H2 इस तरह से दे दिया, नहीं. इससे सिर्फ जितने भी एटम है ना इसके अंदर, वो एटम चाहिए. इसे इस तरह की मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं चाहिए. जब आप इस मिथेन को कम्प्लीटली एटम्स में कन्वर्ट कर दोगे, ओके, तो आप कहोगे कि यहाँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का यूज़ हुआ है. ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि इस मिथेन को जब आपने एंथैल्पी दी, तो ये कार्बन गैसियस फेस में कार्बन अलग हो गया और चार आपको हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर मिले. समझ में आ रही नहीं ये चीज़? तो इसे हम नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन. ओके, नीचे आपको ए लगा देना है इस तरह से. फिर उसके बाद हमने H2 का लिया, H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, उसको एंथैल्पी दी, एनर्जी दी, तो उसने हमें दो हाइड्रोजन एटम दे दिए. तो इसे हमने नाम दे दिया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. आपने यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखी, जहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है. ठीक है, एटम्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल को, तो ऑब्वियसली एटम्स ने जो मॉलिक्यूल बनाते समय जो बॉन्ड बनाए थे उन्हें ब्रेक करना है, तो वो ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी होगी, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन नॉट फॉर्म्ड. सारे बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होते हैं. ठीक है, जितना भी आप इसको ब्रेक करके एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना बचे, वो अपनी एटमिक फॉर्म में आ जाए, तो हम नाम देंगे इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ओके, इसे नोट डाउन कर लो आप. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद अब बात करते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी की. ठीक है, देखो रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है. एक तो बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे ही हम रिएक्शंस का नाम देते हैं. कहीं तो बॉन्ड बनते हैं, कहीं बॉन्ड ब्रेक होते हैं. तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप उस बॉन्ड को जो एनर्जी देते हो, उसे आप नाम देते हो बॉन्ड एंथैल्पी. उसी बॉन्ड एंथैल्पी की हम बात करेंगे. इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहते हैं. ऑब्वियसली बॉन्ड एंथैल्पी से आप समझ जाओगे, जहाँ बॉन्ड एंथैल्पी लिखा हुआ है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन की बात हो रही है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स गैसियस स्टेट. मॉलिक्यूल कैसे स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में, यानी कि वो सोल्यूशन फेज में नहीं हो, अपनी सेपरेट गैसियस फेज में है. ओके, इन टू इट्स गैसियस एटम. और आप उसको ब्रेक करोगे मॉलिक्यूल को, तो जो एटम्स हैं वो भी सोल्यूशन फेज में ना होकर गैसियस फेज में ही होंगे. तो हम इन्हें नाम देंगे, इस एंथैल्पी को क्या नाम देंगे? बॉन्ड एंथैल्पी. जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखी थी CH4 के लिए, उसका कुछ वैल्यू वहाँ आया था 1665 किलोजूल पर मोल. ठीक है, तो वो हमें बता रहा था कि मीथेन को आप उसके एटम्स में सेपरेट कर दो, तो उस एंथैल्पी को आपने एटमाइजेशन एंथैल्पी कही. ये सिर्फ एक आपने एक लाइन से ही, यानी एक इक्वेशन से ही आपने इसको समझा दिया कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इतनी है CH4 की. जबकि आपको बॉन्ड एंथैल्पी समझाना है, तो अलग अलग हर एक बॉन्ड के बारे में आपको बात करनी होगी. जैसे देखो, अगर CH4 की बात करें, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. एक कार्बन से चार हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं.
ठीक है। डायरेक्टली अगर आप इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह रहे हो तो आपने एक इक्वेशन में लिखा इसको और आपने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बता दी, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप हर एक बॉन्ड के लिए अलग अलग बताओगे। सबसे पहले CH, ये वाला CH बॉन्ड तोड़ोगी, इसकी कुछ बॉन्ड एंथैल्पी होगी, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये वाला, इस तरह से चारों बॉन्ड अलग अलग सेपरेटली ब्रेक होंगे, फिर आप उनके लिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करोगे। ये चीज़ हमें समझ में आती है। जैसे हमने CH4 के लिए देखा तो हमने इसको हीट दी तो एक बार में सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 अभी भी हमारे पास रह गया, उस CH3 को फिर हमने हीट दी, वो CH2 किया, उसने फिर हमें एक हाइड्रोजन दे दिया, अभी भी CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सारे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, उस CH2 को हमने हीट दी, उसने अपना हाइड्रोजन लूज किया, फिर CH की फॉर्म में रह गया, अभी भी एक बॉन्डिंग बची हुई है, फिर हमने हीट दी तो ये कार्बन और हाइड्रोजन सेपरेटली हमारे पास आ गए। तो इस तरह इस केस में हम कह सकते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ओके, तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा इस तरह से एवरेज ही निकाली जाती है, या आप कह सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी के लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स देखने होंगे, फिर आप उस पर्टिकुलर CH4 की या जो भी आपका मॉलिक्यूल है गैसियस फेज में उसकी बॉन्ड एंथैल्पी आप बताओगे। जबकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आप एक बार में बता सकते हो, आपके पास जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आप बात कर लो बेंजीन की बात कर लो C6H6, ओके, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताना है तो आपको अलग अलग स्टेप में देखना होगा, एक पहले एक बॉन्ड टूटा फिर दूसरा टूटा, इस तरह से। जबकि आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताओगे, सिंपल रिएक्शन लिखी है आपने, ठीक है, टूटेगा तो क्या मिलेगा, 6 तो कार्बन एटम मिलेंगे आपको और 6 ही क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम, तभी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आप इस तरह से बता सकते हो कि हाँ ठीक है इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितनी थी। ये चीज़ क्लियर होती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, हमने स्टार्ट किया था एंथैल्पी को, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नाम से हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते थे। किसी भी रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर आपको दे दी उसकी एंथैल्पी आपको पूछी जाती है तो आप क्या करते थे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से आप रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करते थे, आपके पास रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाती थी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। अब अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास है गैसियस फेज में, बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है उसका, तो उसको यूज़ करके, उस बॉन्ड एंथैल्पी को यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो उस रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ रही है ना चीज़। बट अब की बार फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है, जैसे कि एंथैल्पी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी दी हुई है और उससे फिर आपको निकालना है रिएक्शन की एंथैल्पी, तो आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर देते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अब की बार हमारा फॉर्मूला उल्टा होगा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है और उससे हमें फिर रिएक्शन की एंथैल्पी पूछ रहा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। बट कंडीशन हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, जो भी हमारी रिएक्शन है, वो गैसियस फेज में हो रही है, ठीक है। इसको लेके आगे चलते हैं, क्वेश्चन से उसे हम समझेंगे। देखो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं गैसियस फेज में अगर हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू माइनस द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ होता है। जब आपको सिर्फ एंथैल्पी दी होती है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की, या हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम आप कैसे फाइंड आउट करते हो, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है बॉन्ड एंथैल्पीज, ओके, तो आप क्या करोगे, समेशन करोगे सबसे पहले बॉन्ड एंथैल्पी का, रिएक्टेंट की अलग, प्रोडक्ट की अलग, फिर उसके बाद, ओके, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस करनी होगी, ठीक है। यहाँ फार्मूला में ध्यान रखना, सिंपल फार्मूला तो क्या है, सिर्फ एंथैल्पी से रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ आपको रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी में से, ओके, इनिशियल में से फाइनल यानी प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस करनी, सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन देख लो, यहाँ क्या गिवन है आपको, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बाय द गिवन एंथैल्पीज। आपको कुछ एंथैल्पीज की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट बॉन्ड्स की और एक रिएक्शन दे दी और आपसे कहा कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। रिएक्शन क्या है आपके पास, अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन दी हुई है और बॉन्ड एंथैल्पीज दी हुई है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की दी हुई है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब आपको देखना ये है कि इस इक्वेशन में कहाँ कहाँ आपको इस तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो N2 इट मीन्स नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, फिर 3H2
हाइड्रोजन है आपके पास, सिंगल बॉन्ड की दी हुई है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो गए। फिर आप अमोनिया की तरफ चले, NH बॉन्ड कितने NH होंगे, इस तरह से देखो NH NH, ओके अमोनिया में इस तरह तीन NH बॉन्ड मिलते हैं, दो अमोनिया हमारे पास है। ओके फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का समेशन किया और उसमें से प्रोडक्ट के समेशन को माइनस कर दिया आपने। रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट साइड पर देखो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है, एक ही मॉल है N2 का, ठीक है। फिर हाइड्रोजन पर आप चलते हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ है, तीन मॉल है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो गई। फिर उसके बाद माइनस करोगे उसमें से आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट साइड में आपके पास सिर्फ अमोनिया है, ओके, और अमोनिया में 3 NH बॉन्ड है और कितने अमोनिया है, 2 अमोनिया है आपके पास। तो इस तरह आपके पास टोटल 6 हो गए ना, 6389 की वैल्यू आ जाएगी, 6 NH बॉन्ड की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ये चीज़ समझ में आई। फिर इसके बाद जो भी आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे वो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, ओके। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, ओके। इसे ध्यान में रखना, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूला से हमारा ये सारा कैलकुलेशन होता है। अब देखो आज हमने दो तरह की एंथैल्पी की स्टडी की है, एक तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना, दो टाइप की एंथैल्पीज आपकी और बच रही हैं, उनकी भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हमें फाइंड आउट करना सीखना है कि किस तरह सेकेंड लॉ हमारा वर्क करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टडी हम करेंगे, ओके। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।